वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। यार सोशल मीडिया पे एक पिक्चर चल रही है, सर्कुलेट कर रही है, और उसपे तुम लोगों के कमेंट्स पढ़ के भाई दिमाग चकरा गया कि ये कौन जा रही किस तरफ है यार। हम लोग क्या, हमारा माइंडसेट क्या बन गया, हमारी प्रायोरिटीज क्या बन चुकी हैं। तो यार ये सोशल मीडिया में तस्वीर एक चल रही थी जिसमें आयमा बेग और रबीका खान, पहले उन्होंने कंसर्ट किया सऊदी अरेबिया में। सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है कि सऊदी अरेबिया में कंसर्ट करना, ये कब से अलाउ होना शुरू हो गया, ये क्यों होना शुरू हो गया। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो कि फितरे की तरफ हम लोग को लेके जा रही है। तो भाई आजकल हो भी ये रहा है कि भाई कभी गोरे आ रहे हैं सऊदी अरेबिया में कंसर्ट करने, कभी पाकिस्तानी आ रहे हैं, कभी इंडियन आ रहे हैं। तो भाई सऊदी अरेबिया वो सऊदी अरेबिया नहीं रहा जो भाई आज से तकरीबन 25 साल पहले था। सऊदी अरेबिया भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया। तो इसी माइंड सेट के साथ हम सऊदी अरेबिया की भी चीजों को देखेंगे, सऊदी अरेबिया के बाकी चीजों को लेके चलेंगे कि सऊदी अरेबिया इज नाउ अ टूरिस्ट कंट्री, और वहां पे लोग इस्लामिक टूरिज्म के लिए भी आते हैं और डिफरेंट टूरिज्म के लिए भी आया करेंगे। सऊदी अरेबिया इज अ टूरिस्ट कंट्री। तो भाई सऊदी अरेबिया में भाई आयमा बेग और रबीका खान ने कंसर्ट किया, उसके बाद वो दोनों चली गई भाई उमरा करने। उमरा तो कर लिया उन्होंने और उन्होंने सोशल मीडिया में तस्वीरें लगा ली। भाई तस्वीरें जब उन्होंने लगा दी तो भाई हम लोगों के अंदर से जहां सबके मोमिन जाग गए, हम लोगों का ईमान ताजा हो गया कि यार ओ बे यार ये कैसे हो सकता है भाई, इन्होंने सऊदी अरेबिया में कंसर्ट करने के बाद उमरा कैसे कर लिया, कैसे इनकी औकात हुई कि इन्होंने कंसर्ट भी किया और उमरा भी कर लिया। हाँ भाई हम सब यहाँ पे खुदा बने बैठे हैं, हम सब बैठे हैं भाई लोगों पे तनकीद करने के लिए कि भाई वो कब गुनाह करेगा, कब उसने सवाब कमाना है। हमने ठेका उठाया हुआ है, हम सब मामे हैं। अब एक बंदा गुनाहगार है, अगर उसने गुनाह किया भी है, लेट सपोज कर दिया, गुनाह कर दिया, तो अब क्या उसको नेकी करने से कोई रोकेगा, रोक सकता है कोई? नहीं। इसका ये क्या लॉजिक हुई कि भाई तुमने गुनाह किया तो अब तुम नेकी नहीं कर सकते? What the hell is, ये क्या सोच है भाई, ये कहां से सोच आ गई है हम लोगों के दरमियान में? हमारे अंदर ये सोच नहीं होनी चाहिए भाई। हमने तो भाई जैसे हम खुद तो ना पवित्र है भाई, हमने तो जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया भाई। सिंपल सी बात है भाई, खामोशी से कभी अंधेरे में बैठ के अपने आप के बारे में सोचना कि भाई तुम कितने पानी में हो इस वक्त। तो यार उन्होंने कंसर्ट के बाद अगर उमरा कर भी लिया तो भाई उनका और अल्लाह का मामला है भाई। वो दूसरी बात है भाई, सऊदी अरेबिया वालों ने खुद उनको जब बुलाया कि भाई आगे हमारे मुल्क में कंसर्ट करो, जब एक चीज एक मुल्क वालों ने खुद अलाउ कर दी है, तो भाई हम लोग इधर पाकिस्तान में बैठ के भाई क्यों भाई बैठे हुए फतवे लगाने के लिए? उस मुल्क को कोई मसला नहीं है जिस मुल्क में कंसर्ट हो रहे हैं और वो अलाउ भी कर रहे हैं उसके बाद उमरा करवाना, और जो करवा रहे हैं उनको भी कोई मसला नहीं है। तो भाई हम लोगों को क्या मसला है, हमें क्या तकलीफ हो रही है, हम क्यों बैठे हैं भाई? अल्लाह और उनका मामला है भाई, उन्होंने वो भाई चोरी करने के बाद उमरा करें भाई, कत्ल करने के बाद उमरा करें, या शराबे पीने के बाद उमरा करें भाई, हमारा क्या कंसर्न है? हम एज अ कौम हम इससे क्या हासिल कर सकते हैं? मुझे सिर्फ ये बता दो हमारा क्या हासिल होना है किसी पे तनकीद करके, किसी की नेकी पे तनकीद करके हमें क्या हासिल होगा? तुम खुद बैठे हो ना, कभी तुमने सोचा कि भाई तुम क्यों नहीं कभी उमरा करने जा सके, क्यों तुम्हें क्यों नहीं कोई बुलावा आया? नहीं पता, क्योंकि भाई तुम्हारा मकसद यही है कि लोगों पे बात करना, लोगों पे तनकीद करना, लोगों की जो उनकी गलतियां ना उसको उठाना, उसको कंसर्न बनाना अपने लिए, और अपने सारी चीजों को छोड़ के बैठ जाना जिंदगी में सुकून से, और कहना कि भाई ओ तूने तो गलत किया ना, वो देख वो उसने नेकी करने के बाद गलत किया, उसने नेकी करने के बाद गलत किया। और भाई अपनी जिंदगी में मकसद बनाओ, छोड़ो इन चीजों को, इन चीजों से निकलो, अपने इर्द गिर्द के मुल्कों में देखो भाई, लोगों के वेलफेयर के लिए लोग उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, पूरी की पूरी हुकूमतें गिरा रहे हैं। हम एज अ कौम ना भाई बहुत गिर चुके हैं, हमें ये समझ ही नहीं कि भाई कहां बोलना है, कहां नहीं बोलना, किस चीज के लिए आवाज उठाएं आवाम के लिए, किस चीज के लिए आवाज ना उठाएं, क्या चीज मैटर करती है, क्या चीज मैटर नहीं करती। नहीं भाई, भाई उसकी पैंट फटी थी, उसकी कमीज फटी थी, उसने गुनाह किया, उसने उमरा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, व्हाट द हेल इज दिस भाई? निकलो इन चीजों में से, और एज अ कौम अपना माइंड सेट चेंज करो, निकलो इन फजूलियात से, इन खराफात से भाई। हमारा मकसद ये नहीं है, हमने किसी पे बातें नहीं करनी भाई, हमने अब एज अ कौम उठना है, हमें एज अ कौम उठने के लिए अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इन छोटी छोटी नुक्ताचीनियों से निकलो भाई। जब उस मुल्क के लोगों ने, उस मुल्क की हुकूमत ने खुद कह दिया कि भाई आप हमारे मुल्क को आप एक टूरिस्ट कंट्री के, हमारे यहाँ पे लोग आगे टूर करें, टूरिस्ट करें, हमारे मस्जिदों को देखें, वहां पे उन्होंने गोरों को बुलाया, इसराइलियों को बुलाते हैं भाई, वो हर मुल्क के नेशनलिटी को वो बुला रहे हैं कि भाई आगे हमारी मदीने की मस्जिद देखो, हमारे हमारे एंसेस्टर्स की वो देखो, कब्रें देखो, मतलब कि उन्होंने ऐसे टूरिस्ट बना दिया इसको यार। तो हम लोग कौन होते हैं भाई इस चीज को तनकीद करने वाले, जब अपने मुल्क को कोई मसला नहीं है? हमारा अपना मुल्क तो अगर बहुत जबरदस्त होता ना भाई, अगर हम लोग तो बड़े टॉप पे जा रहे होते हैं इस वक्त, और हमारे सब सहूलियात मिल रही होती है, हमारे पास कोई मसले ना होते, तो भाई हम बात करते अच्छे भी लगते,
या हम खुद इतने नेक होते हैं कि भाई हम जहां से चलते वहां से हमारे कदमों से नूर निकल रहा होता, और जहां जहां से गुजर रहे होते वहां से लोग हमें सलूट मार रहे होते, ओ ये देखो यार ये वो साकी शख्स आ गया जो चलते चलते लोगों को पैसे देता था, जिसके घर से कोई गरीब बंदा भूखा नहीं जाता था, जो किसी को डांट के नहीं निकालता था अपने घर से कि यार निकलो नहीं मैंने नहीं पैसे देने, तो फिर भी बात बनती है कि यार हम ऐसे बात करें। भाई हम अपने अमाल देखें, हम खुद किधर बैठे हैं, तो हमारा क्या मकसद है भाई लोगों को ऐसे तनकीद करने का? वो उसका उनका मामला और उनका अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने उनको बुला लिया, तूने बुलाया? अल्लाह ने खुद उनको बुलाया अपने हाजिरी के लिए, अल्लाह ने उनको तौफीक दी है तो वो चली गई है। तुम्हें तौफीक मिली है? नहीं मिली ना, क्यों नहीं मिली? इन्हीं सोचों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से। लोग कह रहे हैं भाई ये देखो भाई इन्होंने गाने गा के पैसे कमाए हैं और उन्हीं पैसों से उमरा करने चले गए। भाई अल्लाह ने कबूल करना होगा ना तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। भाई तुम उनके ऊपर बातें कर करके क्यों अपने आप को कम्प्लेक्स में लेके जा रहे हो, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स में लेके जा रहे हो? हमारा मकसद नहीं है बातें करना, हमारा मकसद ये है कि भाई हमें लोगों में पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव चीजें सोचो, आज से लोगों में पॉजिटिव ढूंढना शुरू करो। ऐसा कौन, हम लोग पस्ती की तरफ जाई जा रहे हैं, हम लोग नीचे से नीचे जाए जा रहे हैं, गिरे से गिरे जाए जा रहे हैं। हमें अपने हक के लिए आवाज उठाना मुश्किल लगता है, हमें सिर्फ लोगों पे तनकीद करनी आसान लगती है। यार ये कौम हमारी बहुत नीचे जा रही है, हमें इसको उठाना है, हमें इसके लिए कुछ करना है। और इन सेलिब्रिटीज को भी चाहिए कि यार इस तरह की हरकतें ना ही करें, क्योंकि इनको पता है हमारी कौम किस तरह की है, किस लेवल की है, और जो चीज गलत है उसको गलत कहेंगे। जाहिर है ये नाच गाने करती है भाई, ये तो है ही गलत, लेकिन उनकी हुकूमत जब सऊदीया की हुकूमत खुद इनको बुलाए नाच गाने करने के लिए, तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें इस चीज का? यार भाई मेरी तो समझ से बाहर है कि हमारी कौम किस डायरेक्शन में जा रही है, हम लोगों को क्या हो गया, क्या गिरे से गिरे गिरे जा रहे हैं हम लोग। हमारी कौम को भाई रेवोल्यूशन चाहिए, हमारी कौम को डायरेक्शन चाहिए, हम लोगों को सीधा होना पड़ेगा, वरना तो हमारे लोगों का वो बुरा हाल होने वाला ना, हमारी कौम नीचे से नीचे जाई जा रही है और अवाम की जिंदगी मुश्किल से मुश्किल हो जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।